गंगा समग्र तत्वाधान में पंचाल घाट स्थित गंगा नदी के तट पर गंगा महोत्सव के अंतर्गत 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी घोषित होने पर देव नदी गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही स्वच्छता एवं जल संरक्षण जागरूक करते हुए पर्यावरण बचाने के लिए गंगा भक्तों ने संकल्प लिया। माँ गंगा को दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम संयोजक आदित्य दीक्षित ने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमामि गंगे जिला संयोजक रवि मिश्रा ने कहा कि सब कष्टों को हरने वाली माँ गंगा लाखों लोगों को रोजी रोटी देती है, इसलिए स्वच्छता का दायित्व हम सभी का है। विपिन अवस्थी ने कहा कि स्कूलों पर पर्यावरण पर प्रतियोगिता कराई जाएंगी, साफ सफाई के बाद फूलों व गुब्बारों के घाट को सजाया जाएगा और गंगा मैया का उद्घोष कर पूजा अर्चना की जाएगी। देवठान एकादशी पर स्वच्छता का संकल्प लेने वालों में संदीप दीक्षित, निहारिका पटेल, अजय दीक्षित, सौरभ मिश्रा, धीरेन्द्र वर्मा, स्वदेश दुबे, श्वेता दुबे, रोहित दीक्षित, उदयपाल सिंह, राहुल सिंह, सौरभ शुक्ला, आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला, अनुपम रस्तोगी, डॉक्टर प्रभात मिश्रा, सुनील गुप्ता, गुड्डू पंडित, वीरेंद्र त्रिपाठी, नीटू मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सर आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यहाँ पर पंचाल घाट में नमामि गंगे समिति के तत्वावधान में एक गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी संभ्रांत लोग, मंदिर के, यहाँ के इस कमेटी के पुजारीगण और यहाँ के जन सामान्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। गंगा आरती के उपरांत दीपदान करके माँ गंगा की आराधना की गई। घाटों को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को करने की हम लोगों की मंशा है, ताकि गंगा के तट पर घाट स्वच्छ रहे, लोग गंगा के महत्व को समझें और अपने जीवन में गंगा से मार्गदर्शन लेते हुए और अपने आप को जो है गंगा माँ के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को, उद्देश्य को सफल बनाए। सर नमामि गंगे योजना चल रही है, लेकिन गंगा की सफाई की अगर बात की जाए तो वो उस स्तर पर नहीं हो पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि गंगा जी की सफाई में जन सहभागिता की बहुत बड़ी जरूरत है। जन सहभागिता के बिना ये कार्य जो है संभव नहीं है। जब तक हम लोग सब लोग जागरूक नहीं होंगे कि माँ गंगा को हमें साफ रखना है, ये अपने अंदर हमें भावना जगानी पड़ेगी। जन सामान्य के सहयोग के बिना गंगा का जो सफाई का अभियान है वो पूरा नहीं हो सकता, तो इसमें पब्लिक का और जन सामान्य का सहयोग बहुत बड़ा अपेक्षित है। सरकार अपने इस तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक पब्लिक और जन सामान्य इसमें अपने आप को सहभागी रूप से नहीं जोड़ेगा, अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब तक इसमें बहुत